रास्ता थोड़ा सा कठिनाइयों भरा है, यहाँ पे बारिश भी हो गई है और इधर ये ट्रैक्टर खड़ा है, इसलिए हमें संदीप भारती है इसको। हम आपको बता दें कि हमारी जो बाइक है वो गैस पर है, ये देखिए यहाँ पर इसका वेपोराइजर लगा हुआ है, क्योंकि ये जुगाड़ू स्टीज है, जुगाड़ू स्टीज, हर चीज का जुगाड़ इनके पास होता है। तो एक वीडियो में हम वो भी दिखाएंगे कि कैसे जुगाड़ करके आप अपनी तकनीक को सुधार सकते हैं। बहुत सारे इन्होंने मशीनरी बनाई है जुगाड़ के, वो अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे। देखिए रास्ता कितना खतरनाक है और ये एक जंगल जंगल की राइड की तरह है बहुत खतरनाक इसको। रास्ता है, मेरा मन कर रहा है मैं उधर जाऊं, लेकिन संदीप भारतीय ने निकाल दिया भाई। ये देखिए बहुत ही गांव के अंदर हम इसको उजड़ रास्ता कहते हैं, उज्जड़ खबड़े, उबड़ खाबड़। ऊपर खबर। हमारी जो लैंग्वेज है वो दोस्तों हिंदी मिक्स बागड़ी है, हिंदी मिक्स बागड़ी और हल्का सा देश वाली टाइप से हमारी भाषा होती है। तो इसमें शब्दों का आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएगी। चलिए दिखाते हैं हम आपको हमारी फसल। हाइपर व्यू मोड जो अपने इसके अंदर 4K क्वालिटी और 60 FPS के अंदर इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम खेत के अंदर अभी पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर सफेदे जिनको बोलते हैं वो लगा रखे हैं। और आपको हम बता रहे थे कि यहाँ पर ईख की खेती भी की जाती है, क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है और पानी का जो ज़मीन स्तर है वो हमारे यहाँ पे 3-4 फुट के नीचे चौवा आ जाता है। तो इसलिए अब की बार पिछली साल भी यहाँ पे ईख की फसल बोई गई थी, और अगर ऐसे बारिश होती रही तो आगे भी ईख और धान की फसल होगी, नरमे की बुआई हमें कम करनी पड़ेगी। संदीप भारती है आज हमारे साथ है। संदीप भारती का भी खुद का YouTube चैनल है, सुपर लाइफ के नाम से, इसी पे वीडियो मिलेगा। उस पर भी आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा। दोस्तों ये गन्ना है जो काफी पक चुका है, गन्ने की फसल आप एक साल में एक बार गन्ने की फसल लेते ये हैं। गन्ना है और इन्होंने इस गन्ने को अभी तक रख रखा है। गन्ने का जो जूस होता है वो आपने शायद पीना छोड़ दिया होगा। हाँ इसका गुड़ बना के आपको देंगे। ये सोच रहे थे कि हम गन्ने का अच्छा भाव लेंगे, लेकिन हुआ क्या कि बारिश आ गई और मौसम चेंज हो गया। मौसम चेंज होने की वजह से अभी जूस इसको निकालने कॉस्ट टू वाले कॉस्ट में भी कोई लेने को तैयार नहीं है, तो किसान की आप फसल की दुर्गति देख सकते हो। कॉस्ट टू कॉस्ट में भी इसको कोई लेने को तैयार नहीं है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही है, हमने 2 एकड़ में गन्ना और नया लगाया है, वो भी आपको दिखाएंगे। मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है और आपको ये नज़ारा भी देखने को मिल रहा होगा कितना बढ़िया। आसमानी आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, देखिए आसमान बादल भी हो रहे हैं, बारिश आ भी सकती है। ये सफेदे की फसल संदीप भारतीय कितने दिन में तैयार हो जाती है ये? 4 साल की फसल होती है और लगभग 1 एकड़ में 300 से ज़्यादा पौधे हैं। तो अगर आपकी ज़मीन के अंदर सेम की समस्या है या जल स्तर ऊपर है तो आप ये सफ़ेदा लगा सकते हो। ये केवल और केवल 6 महीनों का पौधा है, आप इसकी लेंथ देख सकते हो। आज का ये पहला ब्लॉग है हमारा, और पहले ब्लॉग के अंदर हम आपको हाइपर व्यू मोड जो है गोप्रो 11 ब्लैक का, जो अभी गोप्रो का सबसे टॉप मॉडल है, उसका हाइपर व्यू दिखा रहे हैं। और आगे की जो वीडियो आएगी उनके अंदर आपको एक एक मोड के बारे में पूरी जान अपने धार लगा रहे हैं अभी संदीप भारती है। क्लस्टर को तैयार कर रहे हैं, ये आपका बिल्कुल तैयार है। अब इससे आपको पूरी तरह एक गन्ना मिलेगा। ये हमने सिर्फ फसलों को काटने के लिए रखा है, आप इसके ऊपर गलत विचार ना रखें। और आप ये घर में भी एक फसलों को काटने के लिए होना चाहिए। इसको चलो मौसम में देगा ना अपने पास। ये ब्लॉग जो हम बना रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि गोप्रो 11 जो भी भाई खरीदना चाहता है
तो वो इसकी क्वालिटी को देख सकता है। हाइपर व्यू मोड जो वाइड एंगल का आपने सुना होगा, लेकिन GoPro 11 के अंदर हाइपर मोड दिया हुआ है, और इस हाइपर मोड का जो व्यू है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का व्यू है, किस तरह की क्वालिटी है। हम ये वीडियो हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के गांव जांडवाला बागड़ से बना रहे हैं। अब मैं कोशिश करता हूं आपके लिए गन्ना निकाल के लेने की, तभी तक बने रही वीडियो। देखते हैं ये किस तरह से कटाई करते हैं गन्ने की। आइए, गन्ने की जो पहचान होती है वो आपको अगर मीठा गन्ना चाहिए तो उसका जो गैप होता है पोरी का, उसका लंबा जितना रहेगा वो आपको उतना आसानी से मिलेगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले गन्ने को छीलते हैं, सिर्फ उसी गन्ने को आप कहीं से भी एक झटके के साथ उसको अपना शिकार कर दें। चलिए इस गन्ने का हम पूरी तरह सफाई करके आपके लिए। तो गन्ना हमने काट लिया है, अभी इसको देखते हैं इसके अंदर टेस्ट बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है, क्योंकि फसल को पककर तैयार हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन जो रेट है वो कम मिल रहा था उस टाइम, इसलिए हमने इसको दी नहीं। उसके बाद सोचा था कि रेट इसका, हमने नीचे छोड़ दिया है गन्ने को, हमारे गन्ने का हाइट भी काफ़ी है, 1.5 फीट हमने नीचे छोड़ने के बाद में भी 8 फुट इसकी हाइट है। तो आप इस गन्ने को लगा सकते हो, इस गन्ने की ज़्यादा जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। ये 19 नंबर गन्ना है, 19 नंबर। तो ये थोड़ा सा हल्का सा सख्त होता है, ये 19 नंबर गन्ना है, इसके अंदर पोरी भी शायद 19 ही होती होगी ना। 19 पोरी नहीं होती, ये स्पेशली जो होता है वो जूस के लिए होता है, क्योंकि जो आपका गन्ना नरम रहेगा तो आपका जूस जो होगा वो इतना स्वादिष्ट नहीं बनेगा। इसका जूस बहुत स्वादिष्ट बनता है, और जो कब्ज के रोगी होते हैं ना, कब्ज के रोगियों के लिए तो गन्ना का जूस आपको पीना चाहिए। अगर आपको भी कब्ज है तो एक गिलास रोज जूस पिए आप, क्योंकि मैं योग के साथ साथ संदीप भारतीय एक योगी योग सहायक टीचर भी है इधर हरियाणा के अंदर, तो ये थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी बीमारियों से संबंधित भी बीच बीच में देते रहेंगे। आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट में डाल दें, आपको कोई भी किसी प्रकार का डिजीज हो, किसी प्रकार का रोग हो। और अब हम इस गन्ने की बलि देते हैं, आप देखते रहिए। अब इसको थोड़ा सा इस टाइप से, चलो दोस्तों आज एक झटके के अंदर इसको उड़ा दिया है संदीप भारतीय ने। एक आपको नई चीज मैं आज आपको बताता हूँ कि गन्ने को खाने का तरीका आपका क्या होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे दांतों की वजह से हम गन्ने को खा नहीं पाते हैं। लेकिन इससे पहले, किसी भी चीज़ को खाने से पहले इसको वॉश करना जरूरी है। तो चलिए आइए हम इसको वॉश करते हैं, इसको पूरी तरह चीज की सफाई करते हैं। आ जाओ, अभी गन्ने को खाने के लिए हम तैयार हैं, और संदीप भारतीय कह रहे हैं कि इस गन्ने को हम अभी थोड़ा साफ करते हैं पानी से, उसके बाद इसका टेस्ट देखते हैं कैसा है। अगर आपको भी गन्ना पसंद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको खाने पीने में क्या पसंद है। GoPro हाइपर मोड 4K 30 FPS, ये हमारी धान की फसल है जो हमने 3 दिन पहले लगाई थी। तो थोड़ा सा अभी तो बारिश हुई है, पौधे कुछ खुश हुए हैं, कुछ अभी भी पौधे नाराज पड़े हैं हमसे, तो पता नहीं क्या क्यों नाराजगी है, पीला पीलापन इनमें आ चुका है। लेकिन भगवान से दुआ करते हैं कि इनको जल्दी स्वास्थ्य प्रदान करें पौधों को, और एक अच्छी खासी फसल हमारे पैदा हो। आप भी हमारे लिए प्रेयर करना कि किसान की बिरून मट्टी ना हो, नहीं तो बिरून मट्टी हो जाती है ना तो दुर्गति देश की भी होती है। हमारे हरियाणा के अंदर इसको बिरून मट्टी जो होती है ना, उसको जो किसानों की आर्थिक हालत कमज़ोर हो जाती है, दुर्गति हो जाती है, उसको हम बिरून मट्टी कहते हैं। ये जो हमारा ब्लॉग रहेगा पूरा का पूरा हिंदी में नहीं रहेगा, बागड़ी में नहीं रहेगा, हमारा ब्लॉग रहेगा मिक्सअप, जिसको आप खिचड़ी बोल सकते हो, खिचड़ी। तो क्या आप भी अपने घर में खिचड़ी बनाते हो बोली से, आप कौन सी भाषा बोलते हो ये ज़रूर हमको बताएं। मौसम बहुत ही ठंडा हो रहा है, और आज हमने
गोप्रो 11 का ये मोबाइल आज मंगवाया है, तो हमने सोचा कि ठंडा मौसम है इसका फ़ायदा उठाते हैं और देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो आप वीडियो के अंदर देख भी रहे हो कि इसकी हाइपर व्यू मोड के अंदर 4K 30 FPS में क्वालिटी किस तरह की आपको दिखाई दे रही है। बारिश का पानी मिला है हमको, वैसे यहाँ पर पानी की ज़मीन के अंदर पानी बहुत है, लेकिन ज़मीन के ऊपर का जो पानी है वो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। तो आइए दोस्तों, जिसका इंतजार था आपको वही चीज हम आपको दिखाते हैं। गन्ने को अगर आपके दांत कमजोर है तो कैसे खाएं, अगर आपके हल्के से भी दांत कमजोर है तो भी आप इस रस का आनंद ले सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आप जो भी आप गन्ना लेते हो उसके दो भाग कर लेंगे, ऐसे करके आप अपने पाँव का इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसको अगर हम सीधा डायरेक्ट ऐसे खाते हैं तो ये नहीं खाया जाएगा, उसके लिए हमने एक स्कीम बनाई है कि इसको बीच में से आप ऐसे छील के रखेंगे, तो इसका दो पार्ट बीच में है। गन्ने के बाद में आप ऐसे ऐसे गन्ने को कर लें। ये टेक्निक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, सिर्फ हम इसको बता रहे हैं क्योंकि आप हमारे सबसे प्यारे व्यूवर्स हो, आप प्यारे दर्शक हो। ऐसे आप अपने इस गन्ने को छील लें। अब इसको बड़ी इजली के साथ आप खा सकते हो, बड़ी आसानी के साथ आपको इसमें कोई ऐसे आराम से आप इसको। मेरे मुंह के अंदर भी पानी आ रहा है, मैं सोच रहा था मैं ये गन्ना पहले ले लूं, पर इन्होंने पहले ही खा लिया। एक एक आपके लिए भी बना के रखेंगे, ऐसे गन्ने को पकड़ना है, बीच में से इसको छीलना है और इसको पूरी तरह से आपको इसके दो पार्ट बीच में से कर देने हैं। गन्ना खाने के लिए रेडी है। और आप भी क्या खा रहे हो बारिश के मौसम में, आपको क्या पसंद है वो भी बताएं। दोस्तों आपको बता दें कि ये हमारे YouTube चैनल का पहला ही ब्लॉग है, और ब्लॉग कैसा बन रहा है क्योंकि हम दोनों को इतना बोलना तो नहीं आता है, लेकिन जिस तरह से ये ब्लॉग हम बना रहे हैं तो आप बताइए कि ये ब्लॉग हम अच्छा बना रहे हैं या इसके अंदर किसी तरह की कोई खामियां हैं। आगे आगे जो भी वीडियो रहेगा हमारा वो इसी रिलेटेड रहेगा, खेती के संबंधित और आपके टेक्नोलॉजी के संबंधित। और गांव देहात कैसा होता है, असली भारत है जो गांव में बसता है, उस गांव की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप पीछे देख रहे हो कि खेत में बना मकान है, ज़रूरत की चीज़ें इसके अंदर रखी जाती हैं, वो सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा। तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और अच्छा लग वीडियो लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, अपने साथियों के साथ साझा करें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। हमने गन्ने खा लिए हैं और संदीप भारती के पास अभी छोटा सा गन्ना बचा हुआ है, अभी हम फिनिश करेंगे, चलते हैं और आपको थोड़ा भाग के भी दिखाएंगे आगे, पर आज नहीं भागेंगे, अगली वीडियो में भागेंगे क्योंकि आज रास्ता खराब है तो... और नया नया गोप्रो 11 है हमारे पास। यहाँ थोड़ी आवाज़ सी आ रही है, हम आपको दिखाते हैं हमारे यहाँ पे ट्यूबवेल, देखो आप किस तरह कितनी ऊंचाई पे लगे होते हैं, देखिए इसकी गहराई दिखाते हैं आपको। ओ ब्रो, ये तो डूंगा नहीं है, ये डूंगा तो नहीं है भाई, ये देखिए बहुत गहरे गहरे ट्यूबवेल आपने देखे होंगे 400-400 फुट पे, लेकिन हमारे यहाँ पर सेम की समस्या से हम जूझ रहे हैं। और यहाँ पर ज़मीन से 2 फुट नीचे पंखा लगा के इधर इंजन लगा रखा है। चलो अभी बारिश भी शुरू हो गई है, लेकिन हमें बारिश का डर नहीं है क्योंकि गोप्रो 11 जो आप देख रहे हो जिससे हम वीडियो बना रहे हैं, तो इसके अंदर वाटरप्रूफ का सिस्टम दिया होता है, तो वाटरप्रूफ है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है क्योंकि आज नया नया लिया है, तो हम इसकी वाटरप्रूफ की कोई अभी टेस्टिंग नहीं करने वाले हैं। बारिश दोबारा से शुरू हो गई है और अभी हम एक बार घर की ओर रवानगी कर रहे हैं। संदीप भारतीय कह रहे हैं कि दर्शकों को एक बार अपना YouTube स्टूडियो है वो दिखा दें, पर बारिश को देखते हुए हमें नहीं लगता कि तो स्टूडियो आपको
कलाकार आते हैं वीडियो शूट करने के लिए। तो आइए हम उबड़ खाबड़ रास्तों के मजे लेते हुए ले चलते हैं आपको हमारे स्टूडियो में। रास्ता बहुत खराब है, चाल आगे तो ही मैंने पटक दिया दूं। ना, ना, अरे मैं पीछे भाग के बढ़ाऊंगा तेरी। मैं आपको थोड़ा दौड़ के दिखा देता हूँ कि भाग कर कैसी वीडियो आती है। इसके अंदर आप देख रहे हैं मैं भाग रहा हूँ अभी। रास्ता बहुत ही खराब है, मैं गिर भी सकता हूँ। ये देखिए इतना गंदा रास्ता है, कैसे भाग के दिखाएं आपको। ओहो ये तो बहुत बुरा हाल है, इधर से तो जाया नहीं जाएगा। चलो हम इधर से चलते हैं, इधर से थोड़ा बढ़िया है रास्ता। बारिश भी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी, आप देख सकते हैं, देखिए बूंदें गिर रही है। चलो बाइक पे बैठ जाते हैं, चलो बारिश का लुत्फ उठाते हुए ले चलते हैं आपको वापस इन्हीं ऊबड़ खाबड़ रास्तों के जरिए। आप भी हमारे साथ इस बारिश का मजा लें। वीडियो कैसी लग रही है आपको, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आवाज़ की क्लियरिटी आपको साफ देखने को मिल रही है, वीडियो के अंदर हमने कोई एडिटिंग नहीं की है। कुलदीपन कैच कर ले। रिडक्शन करता है आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हो। हमारी बाइक अभी लगभग 30 की स्पीड में चल रही है क्योंकि रास्ता हमारा 25-30 वाला ही है। इससे ज़्यादा हम बढ़ाएंगे तो पड़ जाएंगे और फिर थोपी जाके लगेगी हमारी थोपी में। आप सोच सकते हो थोपी को कितना दर्द होगा। वो तो सावन का महीना है, थोपी काटने के लिए नहीं है। पत्ती से आप जितना इस मौसम को इन्जॉय कर सकते हो उतना इस मौसम को इन्जॉय करें और बाबा भोलेनाथ का भी पास भी बनी रहे। बारिश दोबारा शुरू हो गई है तो हम आपको हमारा जो YouTube स्टूडियो है वो आज नहीं दिखा पाएंगे और हम सीधे ही आज घर जा रहे हैं। अगली वीडियो के अंदर आपको YouTube स्टूडियो भी दिखाएंगे और इसके अंदर वाइड एंगल का जो है वो पाइप के सब का बारी बारी से आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कि इसके अंदर हाइपर व्यू के अंदर कितनी स्मूथनेस है, 4K के अंदर कितनी है, 5K में कितनी है, वाइड एंगल में कितनी है। बैकग्राउंड का नज़ारा, पीछे का नज़ारा आप देख सकते हो। आप इसका जो मोमेंट कैप्चर होता है कैमरे का वो कितना अच्छा है कितना गलत है आप अपना ज़रूर देख के बताएं। और इसकी क्वालिटी भी आप बताएं कि आपको इसकी क्वालिटी कैसी लग रही है और अलग अलग इसका प्राइस इसका कहाँ से मिलेगा ये आपको सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सामने का नज़ारा आप देख सकते हो कि सामने का नज़ारा किस तरह का है। हाइपर व्यू जो इसका है ये काफ़ी एरिए को कवर करता है। सामने से वैन आ रही है तो आप इसको भी देख सकते हैं। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और मौसम को देखते हुए आज हमने पहला ब्लॉग बनाने की सोची है। बड़ा हाइपर व्यू GoPro 11। तो हम दोस्तों वापिस जा रहे हैं अपने घर और वो ढाणी है साबा की। चलो दोस्तों आपकी फरमाइश के अनुसार हम साबे के पास जाते हैं। नाम साबा है और काम भी उसके आप देखोगे खतरनाक आदमी है। इस बंदे की एक खासियत यह है कि जो भी दिन में टारगेट लेता है ना, टारगेट बना लेता है शाम को सोते समय कि मेरे को आज 5,000 रुपया कमाना है। तो शाम तक जब तक ये नहीं कमाता तो खाना नहीं खाता। चलिए मिलते हैं उस शख्सियत से जो गांव में रह के देहात में रह के बहुत बड़ी पैसा कमाता है। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपसे हमारा निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी हम इस GoPro 11 से कोई अच्छा फ़ोन लेकर फिर दोबारा से नए ब्लॉग शुरू करेंगे। अभी हम आ गए हैं साबा के खेत में, लेकिन साबा तो नहीं है, साबे का लड़का भी यहाँ और साबा छुपा हुआ है। साबा भी दिख रहा है हमें, सामने दिख रहा है बिल्कुल। साबे को गन्ना खिलाने के लिए स्पेशल लेके आए हैं।
थोड़ा सा खराब हो गया मेरे को। ये साबा है और ये साबा का लड़का है। साबा तो हम प्यार से कहते हैं इसको, इसका नाम है सुभाष। सुभाष अब अच्छी सी चाय पिलाएगा हमको और आपको भी चाय पिलाएंगे अगर आपको चाय पीनी है तो। ये कैमरे के मन में खराब मंगा लिया। क्या बना रहे हो आप खेत में? मकान, मकान बना रहे हैं, देख रहे हो कितना सादगी इनके अंदर है। तो आज आज आपने अभी तक कितना पैसा कमाया सुबह से लेके? इनका खासियत यही है, ये रात को सोच के सोते हैं कि मेरे को शाम तक 2,000 रुपए कमाना है, 3,000 रुपए। ये सर ले तो गणेश फिर बोल रहे होगा। सुभाष जो साबा के नाम से प्रसिद्ध है, रसोई भी बना दी है इन्होंने। देखिए हाइपर व्यू के अंदर आपको कैसा नजारा दिख रहा है। अंधेरा को कितना कैच कर पाता है इस क्वालिटी को आप चेक कर सकते हो। बारिश की वजह से जाम हो गया। तो ये था हमारा आज का खेत का ब्लॉग। इनके कोठे के अंदर है ना एक क्वालिटी देखने को मिलेगी आपको कि ईंट एक नंबर की है क्या? एक नंबर की ईंट लगाई है लेकिन गैट कबाड़िए से खरीद के लाए हैं। ईंट एक नंबर की, आदमी दो नंबर का है, कबाड़िए से खरीद के लाए। आप देख सकते हैं इसके गैट को, लेकिन कलर कलर करके ला इसको चमका देगा ये कलर कलर होने के बाद में। ये ऊपर का व्यू है, आप खेतों का नजारा महसूस कर सकते हो। और इन्होंने सोलर पैनल लगा रखे हैं, इधर देखेंगे आप कितना बड़ा इन्होंने अपना यहाँ पे पानी का साधन बना रखा है। और मेरे को लगता है वे सोलर पैनल अपने घर ले जाके यूज करेंगे क्योंकि इन्होंने पाइप उखाड़ रखा है साइड वाला। तो कितना अच्छा सुंदर नज़ारा आप देख रहे हो, ये नज़ारा आपको बहुत कम देखने को मिलता है। ये सिर्फ आनंद आप ले सकते हो सावन के महीने में। अभी हम चलते हैं घर की ओर। एक बार हम रास्ते में साबा से मिलने के लिए रुक गए थे। साबा कबाड़िया, कबाड़िया वैसे कबाड़िया नहीं है, कबाड़ी टाइप का आदमी है इसको, इसलिए सारे इसको साबा कबाड़ी कहते हैं। कबाड़ी और जुगाड़ी दो क्वालिटी है, कबाड़ी और जुगाड़ी, जुगाड़ से और कबाड़ से। आप सामने गाड़ी देख रहे हो, ऐसी गाड़ियों को ये कबाड़ बना देता है। ठंडे ठंडे मौसम के अंदर पहला ब्लॉग आज हमने बनाया है, आपको कैसा लगा है इसका रिव्यू आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर देना। और अभी हम घर की ओर चलते हैं क्योंकि बारिश शुरू हो गई है दोबारा से। थोड़ा स्पीड में मोटरसाइकिल को लेके चलते हैं और स्पीड में कैसे वीडियो कैप्चर करता है वो दिखाएंगे। इसकी स्पीड थोड़ी सी तेज़ करते हैं, अभी देखिए लगभग 40 की स्पीड में अभी हम चल रहे हैं। सामने का नज़ारा भी आपको दिखा देते हैं। ये है ऊंट गाड़ी, जो एक प्रकार की ऐसी गाड़ी होती है जिसे आगे का साधन भगवान ने बनाया है और पीछे का साधन इंसान ने बनाया है। एक गाड़ी होती है तो दो टाइप से आपको, किसान का मित्र ऊंट होता है और ऊँटों से ही ज़्यादा फसलें होती हैं हमारे यहाँ पे। सामने का नज़ारा आप देख रहे हो, कितना सुंदर व्यू, चकाचक एकदम। अभी लगभग 60 की स्पीड में हम चल रहे हैं, तो आप 60 की स्पीड के अंदर किस तरह की क्वालिटी ये दे रहा है कैमरा, आप इसको वीडियो को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने कोई चेंज नहीं किया है, जैसी वीडियो हमसे बनी वैसी की वैसी हम इसको अपलोड कर रहे हैं। बैटरी इसकी, अभी इसका बैटरी का रिव्यू हम करेंगे, अभी कितना कितनी ये चल पाती है कितनी नहीं चल पाती है। अभी हमारी बैटरी लगभग 22-23% के करीब बची हुई है, अभी घर जा कर चार्ज लगा लेंगे इसको। अगला वीडियो रहेगा वो पूरा आपको बता देंगे कि कितना बैटरी आप इसमें चला सकते हो, इसमें कितना पावर सेवर कर सकते हो, लगातार करते हैं।
देते हैं कि किस तरह का गांव है। जैसे प्रवेश होते हो गांव का पहला द्वार इसका जलघर का जलघर के साथ शुरुआत होती है। और ये है गांव की खूबसूरती जिसमें बैलगाड़ी ऊंटगाड़ी आपको देखने को मिलती है। और ये प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक पाठशाला, और ये हमारा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। और इसी के साथ में इसको तीन राह चौराह बोलते हैं, तीन कोना पार्क ये है। और इस स्कूल की दीवार के ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिए कि क्या अच्छे अच्छे संदेश इस पर लिखे हैं। पूरा दीवार का वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें, पूरी दीवार का वीडियो दिखाएंगे। ये स्कूल का मेन गेट है हमारा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम अपने गांव के अंदर पहुंच चुके हैं। आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो की क्वालिटी कैसी रही GoPro 11 की। इसका फोटो लिया जाए।